वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा करना हो तो उस शख्स से पूछो जो उसकी शदीद तमन्ना रखता हो। 20 साल इन तारीकियों में भटकने के बाद मानो कि जैसे उसने मेरा बाजू थामा, मुझे अंधेरों से निकाल कर दुनिया भर के उजाले मुझे सौंप दिया। कोई इंसान किसी को इतना खूबसूरत तोहफा भी दे सकता है क्या? जिंदगी का तोहफा। बाप, क्या दुनिया में ऐसा कोई लफ्ज मौजूद भी है जो इस रिश्ते के मुकम्मल रूप की अकासी हो? कोई ऐसा लफ्ज जो उसके औलाद के लिए किए गए हर खामोश ईसार को अपने अंदर समोले। साया, जिंदगी की धूप में एक घना बेलौस साया। मैं मिन्हा आमिर 2 बरस की उम्र में माँ की आगोश को खो बैठी। मालव से नाशना सही, मगर मैंने महसूस किया है ममता को अपने बाप के रूप में। बाबा मेरी कुल कायनात, जिन्होंने अपनी कुल कायनात मुझ पे कुर्बान कर दी, मगर अब इस जिंदगी पर आपकी कुर्बानियां उधार हैं बाबा, और मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद आपके जैसा हमदर्द बेलौस खुदा तर्स बनना और आपकी आंखों में अपने लिए फख्र देखना है। आमिर साहब, ये मिन्हा की बिलोंगिंग्स हैं, आप इन्हें लेके जा सकते हैं। मिन्हा की बॉडी पे बहुत चोटें आई हैं, अल्लाह से दुआ करते रहें और अल्लाह पे भरोसा रखिए, हमने मोजे होते भी देखे हैं। मानो जैसे कल की ही बात थी, जब ऑपरेशन थिएटर से निकल के डॉक्टर ने कहा, मेरी रहे शाम सुबह, मुबारक हो बेटी हुई, हर पल हर दम है ख्याल मेरा ही बस। और कुछ ही पलों में जब वो नन्ही सी गुड़िया मेरे हाथों में आई, एहसास को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता।
वो मेरे लिए मिन्हा यानी अल्लाह का तोहफा था। वो रात भर जागना, उसका ख्याल रखना, गोद में उठाए उसे सीने पे सुलाना। आज भी वो दिन याद है जब उसने पहली दफा बाबा कह के पुकारा था। उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके मुंह से निकली हर ख्वाहिश पूरी करना, ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारना, कभी उसके नन्हे से किचन का मेहमान तो कभी उसके ब्यूटी पार्लर का कस्टमर बना। उसकी हल्की सी चोट पर मेरा दिल तड़प उठता था। और आज जब मेरी बेटी चोटों से बेहाल है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, तो मैं बिल्कुल बेबस हूं। ऐ मेरे मालिक, तू मेरी बेटी की तकलीफ खत्म कर दे, उसे मेरी उम्र भी लगा दे, उसे जिंदगी बख्श दे। मेरे मालिक, उसे जिंदगी बख्श दे। मरीज बार बार आपको पुकार रही है, आप पेशेंट से मिल सकते हैं लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं। मैं जा रही हूँ बाबा, मेरा वक्त पूरा हो गया है, मैं राजी हूँ, बस मुझे आपकी फिक्र है, आप वादा करें मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखेंगे, वादा करें मुझसे। मैं कुछ नहीं होगा, तुम जानती हो ना, इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा अपने बाबा के लिए। मेरे बस में हो, मैं कभी आपको छोड़ के ना जाऊं, लेकिन अल्लाह की यही मर्जी है, खुद को संभालना है। तुम ठीक हो जाओगी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। बाबा, मुझे वो लोरी सुनाए ना जो आप बचपन में सुनाया करते थे। सो जा मेरी बेटी, सो जा मेरी गुड़िया, बाबा झूलाए झूला, बाबा झूलाए झूला, बाबा झूलाए झूला। बाबा, आपको मुझसे एक वादा करना होगा, मैं मरने के बाद मैं ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती हूँ, बात सुने मेरी, वादा करें। मैं नहीं चाहती एक और मिन्हा अपनी माँ के बगैर जिंदगी गुजारे, वादा करें, वादा करें। मैं नहीं चाहती एक और मिन्हा अपनी माँ के बगैर जिंदगी गुजारे, वादा करे, वादा करे। पेशेंट की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं आई। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत अफसोस है कि उनकी किडनीज फेलियर की तरफ जा रही हैं।
आप प्लीज़ जल्द से जल्द डोनर का बंदोबस्त करें ताकि किडनी ट्रांसप्लांट करके हम आपकी वाइफ की जान बचा सकें। इंसान, मसीहा, फरिश्ता, क्या थी वो जो जाते जाते जाने कितनों की जिंदगियां बचाकर इनको मजबूरी, बेबसी, अपनों से बिछड़ने की गम और नाउम्मीदी की दलदल से निकाल कर इनकी ज़िंदगी की बुश्ती लौ को हवा दे गई। वो जिसने मर कर भी न होंगे रायगा हमको सच कर दिखाया, वो है मिन्हा आमिन, जिसने जाते जाते मुझे नज़र का तोहफा देने के साथ साथ चार और लोगों को अपने आज़ा अतिया करके उनकी ज़िंदगियाँ बचा ली। अल्फाज भला कैसे इस कुर्बानी का हक अदा कर सकते हैं, शुक्रिया ये कैसे अदा कर सकते हैं। आमिर इब्राहिम साहब, मिन्हा के वालिद, हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ बरस पहले इसी इदारे ने मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश, जो कि एक डिसीज्ड ऑर्गन डोनर बनना थी, पूरी करने में मेरी मदद की। और मैं मशकूर हूँ कि आज इस तकरीब में मुझे और मेरी बेटी के ऑर्गन रिसिपिएंट्स को मदु करके उन्होंने मेरी बेटी की कहानी बाकी लोगों तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया। मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा खुश नसीब बाप कोई नहीं कि अल्लाह ने मेरी बेटी को न जाने कितनी ज़िंदगियाँ संवारने का मौका दिया। वो आज़ाद जो मरने के चंद घंटों बाद कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाते, उन आज़ाद को अतिया करके मेरी बेटी आज भी कई लोगों में ज़िंदा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके जाने का मुझे कोई दुख नहीं, मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि मरने के बाद मेरे जो भी आज़ा काबिल अतियाँ हों वो डोनेट कर दिए जाए। बेशुमार लोग हैं जो किसी न किसी वजह से अपने जिस्मानी आज़ा के नाकारा हो जाने के बाद अस्पतालों के बिस्तरों पर मुंतज़िर हैं एक ऐसे मसीहा का जो उन्हें नई ज़िंदगी दे। काश उन सब मरीज़ों को भी कोई मिन्हा मिल जाए जो अपना आज कुर्बान होने के बाद उन सबको एक नया कल दे सके, जैसे मेरी बेटी ने दिया। वो हमेशा मेरी आंखों में अपने लिए फ़ख्र देखना चाहती थी, और आज मैं ये चाहता हूँ कि वो ये देख ले कि मुझे उस पर फ़ख्र है। वो दर्द मेरे नसीब का कई और दर्द सहला गया, वो जो रोशन किया चिराग था कई और चिराग जला गया। हाल मेरा तो वही है अब जो सहर हुई बाद जुल्मत शब, ये जो रोशनी हुई है जब दिया कोई लहू से जला गया। ये शम्मा जो हमने जलाई है वो जले सदा, ये मेरी दुआ
अब मुझको है ये हौसला, मेरे दर्द तो वो मिटा गया, मेरे दर्द तो वो मिटा गया।